सब तरफ नाय कल नया करना, यानी अच्छों को बचाना और दुष्टों को संहार करना। वेलकम टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। गणतंत्र दिवस के इस मेले पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। स्टूडेंट्स, गणतंत्र दिवस हम अति उल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो आज मैं गणतंत्र का मतलब समझाता हूं। सर्वप्रथम समझते हैं कि गणतंत्र होता क्या है। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र, यानी ऐसा शासन प्रणाली जो लोगों के द्वारा चलाया जाए, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। अधिकतर लोग गणतंत्र और लोकतंत्र के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही होता है, लेकिन मैं बता दूं कि गणतंत्र और लोकतंत्र दो अलग अलग चीज है। गणतंत्र पाकिस्तान और चाइना ऐसे देश हैं जहां पे गणतंत्रता तो स्थापित है, लेकिन वे लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र क्या होता है वो हमारे लोकतंत्र बताएंगे। वेलकम। लोकतंत्र, सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के इस सुबह बेले पे मैं गणतंत्र दिवस का भाईस्वत लोकतंत्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शहीदों की मजारों पे हर बरस लगेंगे मेले, शहीदों के मजारों पे हर बरस लगेंगे मेले, शहीदों की याद में बस बाकी यही निशा होगी। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त गणतंत्र ने कहा कि गणतंत्र यानी ऐसा शासन प्रणाली जो जन साधारण द्वारा चलाया जाए, यानी जिसका राष्ट्र अध्यक्ष एक जन साधारण से हो। लेकिन लोकतंत्र और स्वतंत्रता में अंतर होता है दोस्त। लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा शासन प्रणाली जो साधारण जनमानस के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अंतर यह होती है कि यह जब एक चुनाव प्रक्रिया होती है तो उसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कोई निजी व्यक्ति का उस पर हस्तक्षेप नहीं होता। अगर मैं बात करूं चाइना और पाकिस्तान पे, तो आज आप जानते हो कि चाइना और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहां पे गणतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र नहीं, क्योंकि वहां पे चुनाव प्रक्रिया तो होती है लेकिन उसमें जनमानस का कोई योगदान नहीं होता है। सैनिकों का अहम भूमिका होता है, सेना द्वारा ही अपने राष्ट्र अध्यक्षों को चयन किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि पूरी तरह चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिटलर का नाजीवाद और मुसोलिनी का फासीवाद भी गणतंत्रता को ही दिखाता है, लेकिन इसमें लोकतंत्रता नहीं होती। भारत एक ऐसा इकलौता देश नहीं जहां पे लोकतंत्र है। भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र है, लेकिन सभी में भारत की एक सबसे बड़ी यूनिटी और एक यूनिक चीज ये है कि हम अखंडता में एकता वाला देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारे लोग विराजमान हैं, अलग अलग वेशभूषा भाषा शैली देवी देवताओं वाला देश है, फिर भी हम सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ भाईचारे बना के रखते हैं और हम आपस में कभी वैमनस्य भावना नहीं रखते। आखिर गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस का मतलब हम इस दिन अपने संविधान को अंगीकृत किए। आखिर संविधान होता क्या है ये हमारे संविधान बताएंगे। तो वेलकम संविधान। सत्यरचनाय कल निराकरणाय, यानी अच्छों को बचाना और दुष्टों को संहार करना, इसी कारण से हम इस वर्दी को पहनते हैं। वेलकम टू चैट इंस्टीट्यूट। और मैं संविधान आपको वो सारे बात बताने जा रहा हूं
जो हमारे भारत के 80% लोग नहीं जानते। हम संविधान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। यहां तक कि हमारी देश की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए हैं। हमने पर्ची तो पहना है लेकिन हम अपने विधान को नहीं समझे। हमारा विधान कहता है कि हमें अपने कार्य के प्रति अटल और अडिग होना चाहिए। हमें भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की संकल्प लेना चाहिए लेकिन हम वर्दी पहनकर उसका दुरुपयोग करते हैं। साथ ही ऐसे आम जन जो हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र कह रहे थे, हम आम मानस ऐसे लोगों का चयन करते जा रहे हैं जो दुष्ट और भ्रष्टाचार से लिप्त है। यही कारण है कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा। हमारा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जो भ्रष्टाचार से अछूता है। हमने अपने चारों तरफ एक ऐसी माया जाल बना रखी है जिसमें एक गरीब और आम जनस विवश होकर रह गया है। इस गणतंत्र दिवस पे हम शपथ लेते हैं कि देश को भ्रष्टाचार से विमुक्त करेंगे। इसके लिए हम सभी युवा पीढ़ी को एक साथ कसम खाने का प्रावधान करते हैं कि आए हम सब मिलकर बिगुल फूंकते हैं कि इस देश की उन्नति और इसकी अगर इसको आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाए। जय हिंद, जय भारत।